नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब भी रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि आपके फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है ना शॉर्ट है, और थंब का साइज़ यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो ये व्यक्ति को एडजस्टिंग, फ्लेक्सिबल और अपने अनुसार काम करने के आदतों को दर्शाता है। आप जैसे जातक इंडिपेंडेंट नेचर के भी होते हैं, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के भी होते हैं, लेकिन जब किसी के लिए समर्पण का भाव आ जाए तो वहाँ पर किसी भी तरह से झुकने या अपने आप को समर्पित करने से पीछे भी नहीं हटते। कारण ये है कि शॉर्ट जब थंब होता है तो वो जल्दी किसी भी काम को कराने के लिए प्रेरित करता है। तुरंत निर्णय लेना, तुरंत किसी तरह की योजना पर काम करना, तुरंत किसी भी तरह की रिक्वायर्ड्स नीड्स को फुलफिल करना। और जब मिक्स टाइप का फिंगर देखने को मिले तो इस कंडीशन में एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और अपने अनुसार थोड़ा बहुत चेंजेस, फ्लक्चुएशन अपने किसी भी तरह के प्लानिंग डिसीजंस में करते हुए पाए जाते हैं। तो ये ओवरऑल एक मिक्स टाइप का नेचर दे रहा है जिसमें आप मनमौजी भी रहेंगे और अपने लोगों के लिए खासकर झुकने और समर्पित रहने वाले रहेंगे। अब यहाँ पर अपने लोगों का तात्पर्य वो है जिनसे आपका इमोशनल कनेक्शन हो जाता है या जिनसे बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक या एक तरीके से इमोशन अटैच हो जाता है, क्योंकि जब भी इस तरह की हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्ट करती है तो ये सेंसिटिव टाइप का पर्सनैलिटी, इमोशनल टाइप का नेचर और ओवरऑल डेडिकेटेड टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप करता है, जिसके तहत आपने जिसको अपना मान लिया, जो आपके अपने हो गए, उनके लिए किसी भी तरह की लिमिटेशंस नहीं लगाते हैं कुछ भी करने के लिए, चाहे उनकी मदद करने के लिए, उनके काम आने के लिए, क्योंकि आप जैसे जातक लिमिटलेस हो जाते हैं अपने लोगों के लिए। पहला तो ये इंडिकेशन है। दूसरा, फिंगर पे आपकी सीधी खड़ी रेखाएं आपको मित्रतापूर्वक स्वभाव दे रही है। आपको पता है रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, रिश्तों को लेकर के चलने वाला व्यक्तित्व, घुल मिलकर रहने वाला व्यक्तित्व, एक हंसमुख मजाकिया मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व भी ये देता है। तो आप जैसे जातक से कोई कनेक्ट हो या ना हो, लेकिन आप जिससे भी प्योरली कनेक्ट हो जाते हैं उनके लिए डिवोशन, डेडिकेशन और ओवरऑल बहुत अच्छा कुछ करने जैसी भावनाओं को ये बढ़ावा देता है। इसलिए आपसे जुड़े लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा फायदा ओवरऑल मिलने वाला है। अब इसी के अतिरिक्त यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है, जो बचपन में स्टेज फियर और कम्युनिकेशन स्किल्स में स्ट्रगल फेस करवाती है, लेकिन वहीं पर आपका जो मरकरी माउंट है वो डेवलप अच्छा हो रहा है और मरकरी लाइन की स्ट्रेंथ भी ओवरऑल अच्छी जा रही है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन, वर्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल को अच्छा करता जा रहा है और आगे चल करके आप बिजनेस या ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छे सफल हो सकने में सक्षम हो जाएंगे। फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो खर्च करते समय ज़्यादा सोचते नहीं हैं, किसी की मदद करते समय ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। आप जैसे जातक स्वतंत्र विचार वाले, खुली सोच वाले, फ्रीडम लवर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी रखने वाले और एडवेंचरस लवर और रिस्क टेकिंग नेचर में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ में बारीकी से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। जब दोनों की लेंथ तकरीबन सेम होती है या फर्स्ट फिंगर थोड़ी सी भी स्ट्रांग हो तो ये लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, लोगों को लेकर के चलना, संभाल करके चलना, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होना, लोगों को हील करना, विजडम गेन करना, ये सब आदतों में देता है। यहाँ पर जब दोनों की लेंथ तकरीबन सेम हो जाती है तो रिसर्चिंग टाइप का नेचर देता है और इसीलिए आप जैसे जातक किसी भी विषय को लेकर के बहुत गहरा चिंतन, मनन, अध्ययन करते हुए पाए जाते हैं और हर बात के जड़ तक पहुँचने की प्रवृत्ति इस तरीके का कॉम्बिनेशन देता है। यही कारण भी है कि आपकी जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन होती दिखाई दे रही है। जो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, ग्रेट लेवल का एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, रिसर्चिंग टाइप की माइंडसेट, ग्रेट लेवल का इमेजिनेशन और इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करना, यूनिक वे से काम करना, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर भी इवन यह देता है। इस माइंड लाइन में इस बात का ही सिर्फ ध्यान रखना है कि कभी भी इस माइंड को नेगेटिविटीज पर अट्रैक्ट मत करिएगा, नेगेटिविटीज़ में बिजी मत करिएगा। नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, पास्ट मेमोरीज़, रिग्रेट, गलतियाँ, ये सारी चीज़ों से इस माइंड को फ्री रखिएगा, यानी अपने आप को। तो इससे होगा ये कि आप वर्तमान में जीना शुरू करेंगे और आपका वर्तमान जितना अच्छा होता जाएगा भविष्य भी अपने आप अच्छा होता जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो लक लाइन है वो मून से कनेक्टेड है और माइंड लाइन भी मून के तरफ ही गई हुई है। तो जितना आप अच्छा सोच सकें सोचिए, जितना अच्छा करने की नीयत रखें सबके लिए करिए, जितना अच्छा जीवन शैली हो जीने के बारे में सोचिए, अच्छा अपने आसपास का एटमॉस्फेयर रखिए, एकदम शांत शीतल किस्म का, तो इससे आपका मन भी शांत रहेगा, मस्तिष्क भी अच्छा काम करेगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम बहुत झटके में सॉल्व कर सकेगा और भाग्य का कारक है, इसीलिए आप
कहीं पर भी रह करके अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। बस उसके लिए अपना मन चित्त आपको शांत रखना रहेगा। भाग्य को बढ़ाने का तात्पर्य यहाँ करियर है कि आपके अंदर ईश्वर ऐसे टैलेंट्स देने में आपको सक्षम बनाएंगे, ऐसे टैलेंट्स आप ओवरऑल गेन कर लेंगे कि एक रूम में बैठ करके भी आप अनगिनत पैसा कमा सकते हैं सिर्फ एक सिंपल टेक्निक टैलेंट स्किल्स के बिहाफ पर। तो ये मून लकलैन का सबसे बड़ा कमाल ये होता है जीवन में कि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति के मन का सब काम करवाता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को अपने पैशन हॉबी इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए क्योंकि उसी को एज अ करियर ले करके रन करते हैं। तो नेम फेम सक्सेस पावर पोजिशन पैसा और ओवरऑल इंटरनल पीस हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन ये सब कुछ लाइफ में देखने को मिल जाता है। फिंगर के नोट्स आपके डेवलप अच्छे हो रहे हैं जो आपके अंदर स्पष्टवादिता लेकर के आएंगे, जैसे सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना सुनना विचारना आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है तो स्टेमिना एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर अच्छी देखने को मिलने वाली है। और जैसे कहा गया थंब का साइज शॉर्ट है तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है, रात गई बात गई मूव ऑन लेट गो पुरानी बातें भूल आगे बढ़ने जैसी प्रवृत्ति देता है। ये सब अच्छे कॉम्बिनेशन है इस थंब के। नेगेटिव कॉम्बिनेशन है कि कंसिस्टेंसी में लॉन्ग टर्म विजन में और डिसिप्लिन में काम करने नहीं देता है क्योंकि इस तरीके के थंब को सीधे रिजल्ट चाहिए। ये माइंडसेट ही होता है कि पूरी कहानी से लेना देना नहीं है, करना क्या है, क्यों करना है और मुझे क्या मिलेगा। ये जो पिन पॉइंट वे में सोचने समझने काम करने की आदत है ये स्तंभ की बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए आप जैसे जातकों को जॉब में एट द एंड क्विट करना पड़ता है कुछ समय के बाद में क्योंकि उतना ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और खुद के ऐसे काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है जिसमें हर दिन आपको अपना मन चाहा परिणाम या रिजल्ट मिल सके। इसीलिए आपका बहुत कम उम्र से या पहले से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग के तरफ ध्यान जा रहा है और आगे चल करके आप इस क्षेत्र में उतरेंगे और बहुत ज़्यादा सफल होने के योग भी आपके दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपका जो फर्स्ट फैलेंज है ये डेवलप बहुत ज़्यादा है जिसके कारण विल पावर बहुत अच्छी देता है। ये इच्छा बल इच्छा शक्ति महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं और जो भी चीज़ ठानते हैं मून लकलैन के कारण और जुपिटर के सपोर्ट के कारण आप जो कुछ पाना चाहेंगे आपको एट द एंड विल पावर के अतिरिक्त मिल जाएगा। इसके बाद में आपका जो सेकंड फैलेंज है ये ज़्यादा डेवलप नहीं है, ज़्यादा एरिया नहीं ले रहा है तो आप बहुत सारे जगह पर लॉजिक नहीं लगाते, प्रैक्टिकल वे से एनालिसिस नहीं करते हैं, इसीलिए आपके साथ धोखे होने के योग भी बहुत ज़्यादा हैं और यही एकमात्र कारण है। अभी हम अनदर पाम पिक में देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं लगातार आपके हार्ट लाइन से नीचे की तरफ जा रही है जो इमोशनल ट्रबल हार्ट ब्रेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइंड लाइन इसीलिए अननेसेसरी फैल रहा है क्योंकि फैलना यानी मेंटल स्ट्रेस प्रेशर दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें तब ठीक होगी जब आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी लॉजिकलिटी अंडरस्टैंडिंग डीप थिंकिंग यहाँ कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विज़न। पुरानी चीज़ों को भले ही आप याद ना करें लेकिन पुरानी गलतियों से सीख लेके उसे ना दोहराएं तो आपके जीवन में ये जो वरीज लाइन इतनी सारी आ रही हैं ये आना ख़त्म हो जाएगी पूरी की पूरी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। जितना आप जैसे जातक एम्बिशियस मोटिवेटेड इंस्पिरेटिव होते हैं सकारात्मक एट द एंड रहते हैं उतना अच्छा लाइफ स्टाइल उतनी अच्छी थॉट प्रोसेस उतने अच्छे एक्शन एंड में उतने अच्छे रिजल्ट्स भी गेन कर पाने में सक्षम होते हैं। तो यही ट्रिक्स है क्योंकि आपका जो पाम है वो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर और ओवरऑल नॉर्मल फिंगर होने के कारण फायर एलिमेंट में आ रहा है जो कि व्यक्ति को क्विक डिसीजन मेकर बनाता है, भावुक किस्म की प्रवृत्ति होती है, उत्साही होते हैं, जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं, इसलिए लगातार अपने काम में परिवर्तन या अपग्रेडेशन करते हुए पाए जाते हैं। इस कंडीशन में बहुत अच्छे बिजनेस लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं, एम्बिशियस थोड़े इगोइस्टिक भी होते हैं और जोखिम उठाने की आदत यहाँ पर देखने को यानी रिस्क टेकिंग नेचर रहता है, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन में रहना पसंद नहीं करते। तो ये सारे कॉम्बिनेशन फायर एलिमेंट हैंड के होते हैं। अभी यहाँ बात करेंगे हम जुपिटर माउंट से। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपके विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, इसके लिए हम आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर आप बारीकी से देख सकेंगे कि इस तौर तरीके से आपके विंडो साइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर और पॉजिटिव होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाता है लाइफ में, अपग्रेड मेंटल ओवरऑल फिजिकल हेल्थ ओवरऑल पावर पोजीशन या सोशल स्टेटस या रिसोर्सेज फैमिली कंडीशन इन सब की रिगार्डिंग अपग्रेडेशन लाइफ में लाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इस तरीके का विंडो साइन देता है। जैसे अच्छे कल्चर में इंगेज हो जाना, अच्छे लोगों का सपोर्ट मिल जाना, बड़े लोगों का साथ मिलने के कारण
रास्ते, मार्ग, सजेशन, एडवाइजेस बहुत अच्छे मिल जाना। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे ले जाने में मदद करता है लोगों के द्वारा और परिस्थितियों के द्वारा। इस कंडीशन में सिर्फ एक आदत रखनी चाहिए, नॉलेज एक्सपांड करने की, रेगुलर बेसिस पे लर्निंग्स की। बाकी सब ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आप तकरीबन यहाँ 36 की उम्र तक आते आते इसके पूरे रिजल्ट मिल जाते हैं, जिसमें प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी में बहुत अपग्रेडेशन होता है। इन सब के अलावा जितनी भी अनदर इस तरह की लाइन से, ये सब बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर, काइंडली टाइप का पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एक्टिव करने वाला कॉम्बिनेशन ये होता है। इसलिए आप जैसे जातक धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने लगते हैं। बच्चे बहुत अच्छे इसमें देखने को मिलते हैं, उनका भविष्य अच्छा होता है। आपके पुण्य बच्चों के द्वारा प्राप्त होंगे, इसलिए बच्चों का भाग्य और भविष्य सब बहुत अच्छा रहने वाला है। मैरिड एंड फैमिली लाइफ में भी ये धीरे धीरे कर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी लाता है। कुछ कुछ समय के अंतराल में धार्मिक यात्रा करते रहना चाहिए, मनोवांछित फल तुरंत प्राप्त होने लगता है। शनि की स्थिति पे आप देखेंगे कि एक आड़ी रेखा थी जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है, और ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग का इशू मेजरली देता है। लेकिन अब यहाँ पर इसने दो पॉजिटिव साइन बनाया है या बनाने लग रहा है। एक तो ट्रायंगल का, ये एक प्रोटेक्शन का साइन होता है जिसमें घटना दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ परेशानी जैसी चीज़ों से बचते हैं। दूसरा, मनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, सिक्योर्ड मनी देखने को, और गुप्त यानी सीक्रेट मनी भी यह देता है। ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल यहाँ साबित होता है। ओवरऑल लक, वेल्थ, मनी, इन चीज़ों की कमी यहाँ पर नहीं होती। दूसरा, इधर पे एक स्क्वायर का साइन बन रहा है जो फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट या घर लेने या अपने काम को विस्तार करने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। अब ये चीज़ कब तक आपकी लाइफ में होगा, ये लक लाइन और लाइफ लाइन से जज होगा। बट ओवरऑल आपका सैटर्न माउंट रिएक्ट अब अच्छे कर रहे हैं, डेवलप अच्छे हो चुके हैं, तो स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलने के साथ साथ मटेरियलिज्म में गेन करने की पूरी कैपेबिलिटी यहाँ आ रही है। लक लाइन की कंडीशन देखेंगे तो सैटर्न की अपनी लक लाइन है, अनदर सपोर्टिव लाइन्स एक्टिव है जिन्हें अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन लगातार पैसा देता है, भाग्य की कमी नहीं होने देता, इसीलिए इस कंडीशन में अपॉर्चुनिटीज़, जिस भी तरह का डिज़ायर एम गोल हो उसके रिगार्डिंग बेस्ट से बेस्ट मिलती है। और आपके पाम में जैसे कि मून लक लाइन एक्टिव है तो बाहरी दुनिया, लोगों का सहयोग, पार्टनर का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें लाइफ में बेस्ट आपकी रहने वाली है। और इस लक लाइन में यहाँ माइंड लाइन पे आप देखेंगे कि चेंजेस हुआ है, और जब भी इस तरह से माइंड लाइन से चेंजेस देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में अपने जॉब को क्विट कर खुद के दम से नया काम शुरू करते हुए पाए जाते हैं। ये समय आपके लाइफ में 41 से लेकर 43 के मिड में रहने वाला है, जिसमें आप खुद का एम्पायर खड़ा करने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और इसके लिए एक्शंस लेंगे। और जब जब यहाँ से जैसे मरकरी लाइन या सन लाइन अटैच होती है तो उस समय पर पॉजिटिवली और ड्रास्टिकली चेंजेस करियर के रिगार्डिंग रहता है। जैसे यहाँ पर मरकरी लाइन जब जब ऐड होती है तब तब अर्निंग कैपेबिलिटी इंसान की बढ़ती है, तो यहाँ पर अर्निंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ते हुए अप्रॉक्सीमेटली 31 और 32 के एज में दिखाई दे रही है, फिर अराउंड 34 के एज में फिर दिखाई दे रहा है, और इसके बाद में ये आपके स्किल्स भी डेवलप करेगा, जैसे अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को भी फॉलो करना, और पर्टिकुलर किसी भी तरह की लर्निंग डेवलप करने के साथ साथ टैलेंट बिल्ड करना, जिसके बिहाफ पर अगर आप बिजनेस करने या इंडिपेंडेंट वर्क करने जाते हैं तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस होने के साथ साथ अच्छी अर्निंग्स होना। इसके बाद में जब सनलाइन अटैच होती है तो ये पावर, पोजिशन, अथॉरिटी एंड नेम, फेम, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन जैसी चीज़ों को बढ़ाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर करियर के कारक होने के साथ साथ सक्सेस के भी कारक हैं। राजा तुल्य जीवन शैली देते हैं, उसके लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष भी कराते हैं, लेकिन जब ये लाइफ लाइन से अटैच होकर निकले तो पैसा, भाग्य और नाम सम्मान, ये तीनों चीज़ें साथ में बढ़ती है। और ये समय आपके जीवन में अराउंड 35 का रहने वाला है कि यहाँ से आपके लाइफ में वेल्थ, नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल, ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि एक लूप का कॉम्बिनेशन बनता दिखाई देगा, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में मूड स्विंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस, कभी बहुत ज़्यादा मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व हो जाता है, कभी अकेला रहना, कभी लोगों के बीच रहना, यानी ये वाइस वर्सा कॉम्बिनेशन भी क्रिएट करता है जो मूडी बनाता है एट द एंड। लेकिन ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बेफिजुल का चिंतन मनन करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, और उसके द्वारा आपको मेंटल प्रेशर, एंजाइटीज आएगा। तो इस कंडीशन में प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहिए, यानी शनि और सूर्य को बैलेंस करना चाहिए, जिसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए सूर्य के लिए, उगते सूर्य को देखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और दूसरा शनि के लिए प्राण ऊर्जा यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। ये चीज़ करने से आपका फोकस, एम को लेकर के क्लैरिटी और अचीवमेंट्स लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा, मूड स्विंग जैसे इश्यूज खत्म होते दिखेंगे, और ओवरऑल गेंस आपकी लाइफ में हर विषय को लेकर के बढ़ना शुरू हो जाएगा।
एट द एंड आपकी जो लक लाइन है वो सैटर्न की अपनी लक लाइन है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके सभी तरह के काम अंततः बन जाएंगे, जिसके अतिरिक्त खुशी, संतुष्टि, शांति जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा। सन लाइन बहुत प्रोमिनेंटली 38 और 44 के मिड से बहुत एक्टिव हुआ है, 38 के बाद से और 44 के एज से, तो इसने अपना पूरा असर दिया ही है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि इस पीरियड से आपको रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, नेम, फेम के साथ में एक अच्छा पद सम्मान और आपके वेल्थ में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। मल्टीटास्किंग आपका नेचर दिखाई पड़ रहा है, एक समय पर एक से ज़्यादा काम लेकर के आप चलेंगे, इसलिए डिस्ट्रैक्शन या भागदौड़ी जीवन में ज़्यादा आपके 38 के बाद देखने मिलेगी। बट ये सनलाइन का काम ये नहीं है, ये सनलाइन का काम है आपकी आत्मा की इच्छा को पूरा करना, आत्मा के बल को पूरा करना, आत्मसंतुष्टि देना। यही सब कारण है कि इधर पे बायफोर्क का साइन आपको बिजनेस की तरफ बहुत स्ट्रांगली लेकर के जाने वाला है। तो सन की कंडीशन भी यहाँ पर अच्छी दिखाई दी है, आपके नाम सम्मान में, सफलता में कभी कोई आँच नहीं आएगा। मरकरी माउंट आपका दबा हुआ है, इस कंडीशन में आप जैसे जातक दूसरों के बातों में बहकते हुए पाए जाते हैं, गलत लोगों, आदत संगतों में पढ़कर नुकसान करते हुए पाए जाते हैं और ना नहीं निकलता है मुँह से। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी चीज़ के लिए मन ना भी हो तो भी उसमें हाँ करते हुए पाए जाते हैं, यानी ये कम्युनिकेशन एरर बैरियर दे रहा है। इस कंडीशन में गलत लोगों का साथ दे देना, गलत जगह सिग्नेचर कर देना, पार्टनरशिप में करके कोई काम करना, इन सबसे नुकसान या फ्रॉड देखने को मिलता है। थोड़ा प्रिकॉशन इन विषयों में आपको रखना रहेगा। बाकी मल्टीपल लाइन्स यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी दे रही है, एक कन्विंसिंग पावर को भी डेवलप करने पे मजबूर कर रही है। बिजनेस लक सेंस के अतिरिक्त मार्केट नॉलेज सेंस बढ़ा रही है। इसके अलावा इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी डेवलप करने के साथ साथ समय परिस्थिति के अनुसार ढलना, अपना काम निकलवाना, यानी चतुर चालाक भी बना रही है। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन आपको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और हृदय रेखा के एंड में गोंपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है। अब जो बात बताई गई कि अनदर पाम पिक में क्लियरली दिखेगा वो यही है कि देखिए लगातार कितनी स्ट्रांगली हार्ट ब्रेक लाइंस यहाँ पर देखने मिलेगा, फिर यहाँ पर इतना स्ट्रांग बिखराव, यानी ये समय अराउंड 28 से लेके 31 के मिड का ही है जिसमें इमोशनल ट्रबल और ज़्यादा रहा है। और इसके बाद में इसका स्ट्रांगली जुपिटर से कनेक्शन, तो यहाँ पर अगर आपको आगे चलकर इमोशनल ट्रबल, हार्ट ब्रेक्स नहीं कराना है तो पैसों के लेन देन में सावधान रहें, अंधविश्वास करके किसी के भरोसे रहकर आश्रित होकर आगे ना बढ़ें और अपना इमोशंस को कंट्रोल में रखें, इमोशनल डिसीजन बिहेवियर रखने से बचें, तो आपको फिर इमोशनल ट्रबल और हेल्थ इश्यूज भी इवन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपकी जैसे स्टार्टिंग में लाइफ और माइंड लाइन पूरी डिस्टर्ब रही है, तो बचपन में फैमिली हेल्थ और ओवरऑल एजुकेशन में भी ट्रबल आपको देखने मिला। इन सब तरह का कॉम्बिनेशन बचपन की यादों को अच्छा बिल्कुल भी नहीं रखता है। इसके बाद में आपकी माइंड लाइन ठीक चली, लेकिन फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बिखरी हुई है। जब ओवर स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज हम ले लेते हैं, कन्फ्यूज़न जब ज़्यादा होता है, तो ये इस तरह की माइंड लाइन और इस तरह की हार्ट लाइन फैल जाती है। इसको ठीक रखने के लिए जो पहले ही बताया गया कि आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, इसका भी रेमेडी सजेशन आपको भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। अदरवाइज़ किसी भी विषय को लेकर के, बहुत नकारात्मक विषय को लेकर गहराई से सोचने लगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी प्रोमिनेंटली आ सकता है आपको। तो इस विषय पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है मेंटल हेल्थ पे। आउटर मार्स पे सीधी खड़ी रेखा शत्रुहंता योग का निर्माण करती है, तो लोन डेप्ट सरलता से आपके सद जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में रोग, ऋण, शत्रु लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। इन सब चीज़ों में विजय प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन है, ये समय आपके जीवन में अराउंड 38 और उसके बाद का है, जिसमें आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी, वेल्थ और नए तरह के इनिशिएशन से या बिजनेस से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में आपके लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन आप देखेंगे, ये लगातार एक्टिव है, तो किसी न किसी का सपोर्ट लाइफ में रहा ही है, आगे भी रहने वाला है। और लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखेंगे तो आपकी सेल्फ मेड लक लाइन्स स्ट्रांगली निकलना शुरू हो रही है, तो अपने खुद के इनिशिएशन से आपको 35, 41 और 44 के एज में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और ट्रैवलिंग्स लाइन के अतिरिक्त आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग और भी मल्टी प्लेसेस की ट्रैवलिंग्स ओवरऑल लाइफ में रहने वाली है। लॉन्ग लाइफ के कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हुए दिखाई दिए हैं। मरकरी लाइन की स्ट्रेंथ अभी और मजबूत होना बाकी है, जब ये और मजबूत होगा तब जाके पैसा अच्छा आना, रुकना, बढ़ना देखने को मिलेगा। इधर भी रेक्टेंगल का साइन थोड़ा और मजबूत होना बाकी है, तब जाकर ह्यूज वेल्थ, प्रॉपर्टी के इंडिकेशन जो इतने लेट दिखाई दे रहे हैं, ये और जल्दी लाइफ में आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो वापस से यहाँ पर आप देखेंगे कि
आपके लगातार यहाँ पर वरीज लाइन एक्टिव होती जा रही है और आगे चल करके आपके शुक्र की तरफ से भी वरी लाइन आ रही है जो पार्टनर फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस देता है। तो ये सब ओवरऑल राहु लाइन्स हैं और ये सब तब ख़त्म और अच्छे से हो जाएगा जब हम हमारे जुपिटर को एक्टिव करेंगे। तो इसका भी सजेशन आपको भेज दिया जाएगा, शिव जी की आराधना क्या करनी है। ओवरऑल आपका शुक्र डेवलप अच्छा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने के साथ साथ लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेडेशन पे कंसंट्रेशन रखते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, ओवरऑल कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और अपने प्रेम का प्रदर्शन खुलकर करने वाले, खर्च करते समय ज़्यादा ना सोचने वाले और अच्छी ओवरऑल वेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के साथ साथ पूरा जीवन इंजॉय करना, ये बेसिक नेचर या नीड्स में है आपके। लेकिन इतनी ज़्यादा वरीज लाइन होना अच्छा नहीं होता है क्योंकि तमाम तरह के सुख सुविधा होने के बावजूद भी भोग नहीं पाते हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना, अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए एक समय पर एक काम करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आवेश में आकर के बिना सोचे समझे कभी भी कोई निर्णय ना लें, एक्शन ना लें, तो उससे भी आपकी वरीज बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में आपकी लॉन्ग लाइफ दिखाई दे रही है, 80 प्लस की एज यहाँ इंडिकेट हो रही है और इसके बाद में जो मेजर लक लाइन्स यहाँ लाइफ लाइन और शुक्र के द्वारा आ रही है, ये पार्टनर के द्वारा भी आपके काम में आगे चल के मिलने वाले सपोर्ट को ही इंडिकेट कर रहा है। चंद्र की स्थिति विकसित ठीक है तो खान पान, घूमने फिरने के शौकीन और ओवरऑल मनोवांछित फल प्राप्त करने के योग भी आपके हथेली में अच्छे दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर जो मरकरी लाइन है ये अच्छी होती जा रही है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए देन आफ्टर पैसा अच्छा ना रुकना बढ़ना देखने को मिलेगा। मल्टी मिलियनर बनने का साइन यहाँ डेवलप हो रहा है क्योंकि ट्रायंगल का साइन इधर जब आएगा तो बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ या इनोवेटिव वर्क के थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटर को लूज़ करेंगे या जिस भी विषय में आप आगे बढ़ेंगे उसमें आपको अत्यंत सफलता सपोर्ट मिल पाएगा। आपके डिसीजन प्लानिंग सब एक्यूरेट यहाँ पर साबित होने वाले रहेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके मल्टी मिलियनर बनने के जो चांसेस हैं इस सन लाइन के कारण अप्रोक्सीमेटली 35 प्लस में और 38 के बाद में वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस और खुद का एम्पायर खड़ा करना या बिजनेस में सक्सेस होने के चांसेस 38 के एज तक आते आते दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके जो सपोर्टिव लाइन है वो सर्वाधिक जो एक्टिव यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है वो 34 और 5 की मिड में हो रहा है। तो इसी पीरियड में मैरिज और बच्चे और बच्चों से होने वाला लाभ आपको यही पीरियड के बाद से देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो आपका गुड टाइम है लाइफ में वो अप्रोक्सीमेटली 34 के बाद और 38 के बाद से बहुत ज़्यादा वेल्थ प्रॉस्पेरिटी ये आपको देखने मिलने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपके पार्टनर रहने वाले हैं लाइफ पार्टनर वो भी स्पिरिचुअल सपोर्टिव आपके लिए डेडिकेटेड और लक्की साबित होंगे क्योंकि मून लक लाइन है आपके पाम में, जुपिटर अच्छा जा रहा है तो अच्छे घर से, अच्छे बैकग्राउंड से और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में वो आपकी लाइफ में आते हुए देखने को मिलेंगे जो आपको गाइडेंस, एडवाइस, सजेशंस अच्छे दे सकने में सक्षम देखने को मिलेंगे। बिजनेस करना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि मरकरी लाइन की कंडीशन, माउंट सन की कंडीशन बहुत अच्छी है। इवन आप जॉब के रिगार्डिंग भी आपके जीवन में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ अप्रोक्स 34 प्लस उसके बाद से बहुत ज़्यादा आते देखने को मिलेंगे। इसके बाद में ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पीली रन होगी, किसी तरह का मेजर प्रॉब्लम इशू यहाँ पर रहने नहीं वाला है। वेल्दी रिच होने के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है पाम में, बस इन्हें और ज़्यादा एक्टिव होना बाकी है। बाकी जिन लोगों ने भी आपका पैसा लिया है वो वापस दे सकेंगे या नहीं ये अभी हम लेफ्ट पाम में जज कर लेंगे। और ओवरऑल आपको कभी भी जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि फायर एलिमेंट हैंड है तो इसे हमेशा यूनिक, थोड़ा चैलेंजेस या नया काम चाहिए रहता है। ये क्यूरियोसिटी और एडवेंचरस लवर भी बनाता है इस तरीके का पाम, इसीलिए आपको जॉब के साथ साइड वर्क बिजनेस करना ही पड़ेगा अन्यथा बिजनेस में उतरने से आपको पूरा फोकस, हैप्पीनेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपकी ट्रैवलिंग्स बहुत होने वाली है, आप अपने होम टाउन भी जाएंगे, बर्थ प्लेस से दूर भी आपका खुद का घर रहने वाला है तो आपका ट्रैवलिंग लगातार होने के कारण किसी तरीके का नुकसान, हानि, तकलीफ, परेशानी नहीं रहेगा। और ये जो क्वेश्चन भी है आपका कि यहाँ आपको घर पे रहना चाहिए या घर से दूर, तो यहाँ आपके पाम में कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई तकलीफ परेशानी नहीं है कि कहीं पे रहने से ही फ़ायदा है या नहीं। दोनों जगह पर आपका जहाँ मन हो वहाँ पर आप रह सकते हैं, उधर से कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यूनियन लाइन पे आते हैं। तो यूनियन लाइन में जब भी ऐसे त्रिशूल की आकृति बनती है तो इस कंडीशन में पार्टनर से बार बार अटैचमेंट, डिटैचमेंट चलते रहता है। एक्चुअल में ये इंडिकेट करता है पास्ट लाइफ कनेक्शन जिसमें पार्टनर पार्ट लाइफ से आते हैं। इस कंडीशन में एज अ गर्लफ्रेंड,
एज अ शॉर्ट टर्म पार्टनर आते हुए देखने को मिलते हैं और वो अपना हिस्सा लेकर के जाते हैं। जब जब तकलीफ परेशानी रहेगी तब आपके पास आकर के अपना हिस्सा लेंगे, जब जीवन उनका ठीक रहेगा तो आपसे दूर जाएंगे। तो ये चीज़ लेफ्ट पाम में है, अच्छी बात है कि राइट हैंड में नहीं है, अदरवाइज पार्टनर फिर आपको ऐसे ही मिलते लाइफ पार्टनर भी, लेकिन या इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से बचाव हो चुका है, तो आपके लाइफ पार्टनर ओवरऑल अच्छे आने वाले हैं। ये सब कॉम्बिनेशन इमोशनल ट्रबल बचपन से ही दर्शा रहा है, लेफ्ट हैंड में होने के कारण ये बचपन को पास्ट लाइफ को दर्शा रहा है। राइट हैंड में इसके कंडीशन कहीं ना कहीं अच्छे हो रहे हैं, तो आपका अब कहीं ना कहीं अपने इमोशन पे पकड़ या मजबूती अच्छी हो गई है। मेंटल हेल्थ की कंडीशन भी राइट में बहुत ज़्यादा अच्छी है और मून लक लाइन अगेन यहाँ भी एक्टिव है पर माइंड पे आके रुकी है, इसीलिए 100% चांसेस है कि जॉब क्विट करके आप अपना खुद का काम करने वाले रहेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।